मैं स्कूल जाता था, दोस्त मुझे देखते कह रहे थे, और देखो छूड़ा आ गया गटर साफ करने वाले का बेटा। अपने ग्लास में पानी नहीं थे पीने देते, लंच नहीं था खाता, मेरे लंच गिरा देते थे, तब भूखा उधर से आता था वापस में। मेरा नाम फाइक है, मेरी एज 16 है। मेरे पापा सीवर मैन का काम करते थे, और वहाँ से किसी लड़के ने एक वीडियो देखी मेरे पापा की, और उसने आके पूरे स्कूल में बता दिए। तो वहाँ से जैसे जैसे बच्चे छेड़ते थे, गुस्सा भी आता था बंदे को, अब क्या करें, अब उनका कुछ कह भी नहीं थे सकते। अगर कुछ कहते थे तो वो कंप्लेन करते थे प्रिंसिपल को, तो वो मुझे कहते थे क्या हुआ है, तुम्हारे पापा यही काम करते हैं ना। जब क्लास में बैठते थे मेरे से सब पीछे हो जाते थे, अगर मैं आगे बैठता था मेरे से आगे वाली एक सीट छोड़ के उससे पीछे बैठते थे। मुझे कहते और चूड़े गटरों वाले किधर जा रहे हैं, वो लोग मुझे कहते थे इसको स्कूल से निकाल देना है। तो पापा मुझे कहते थे भाई नहीं लड़ा कर इधर, ना ही कुछ किया कर, इसकी वजह से फिर ना मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरा तो दिल करता अपने पापा को ये काम छुड़वा दूँ, पर फिर भी पापा कहते हैं अगर ये काम छोड़ दूंगा घर कैसे चलेगा। फिर इसी बात से चुप हो जाते हैं। मेरा पापा मेरे लिए हीरो है। क्या आप लोगों को सिर्फ सफाई चाहिए, सफाई वाला नहीं चाहिए? मेरा नाम शफीक मसीह है और मैं सीवर का काम करता हूँ। फिर सारी क्लास वाले बच्चे जो है ना, वो इससे बस वो इम्तियाजी सलूक करते थे, कभी इसको चूड़ा कहना, फुटबॉल खेलते हुए बॉल बाथरूम में फेंक देना, इसको कहना चल उठा के ला, तेरा बाप भी यही काम करता है। अब 9th क्लास में है तो प्राइवेटली तौर पे मैं इसको तैयारी करवा के कम से कम मैट्रिक तो इसको करवाऊंगा। मुझ पे तो जो गुजर रहा है या मेरे बेटे पे, हम उसको फेस कर ही नहीं है। हम लोग हर रोज अपनी मौत से लड़ते हैं, जरासीम से लड़ते हैं, इन लोगों को अच्छा माहौल देते हैं। आप चाहे उनका सारा दिन काम करते रहें, अगर उनसे एक गिलास पानी भी मांग लें तो वो कहते हैं हमारे पास गिलास नहीं है। आने वाले वक्त में कोई बंदा भी सफाई का काम नहीं करना है, पाकिस्तान एक कूड़े का ढेर बन जाएगा।